Hey Siri, how are you? Hi there, I feel good. Thanks for asking. नमस्कार दोस्तों, मैं कमल यादव आज आपके लिए लेकर आया हूँ किया सोनेट का HTK प्लस वेरिएंट। दोस्तों इस वीडियो में हम बात करेंगे कि हमें HTK प्लस वेरिएंट में क्या क्या फीचर देखने को मिल जाते हैं और गाड़ी इस प्राइस टैग पर हमारे लिए वैल्यू फॉर मनी है या नहीं है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं हम गाड़ी के फ्रंट से। गाड़ी के फ्रंट पर हमें ऊपर बोनट पर किया का लोगो देखने को मिल जाता है। नीचे हमें हनीकॉम डिज़ाइन की फ्रंट की ग्रिल ग्लोसी ब्लैक फिनिश में हमें देखने को मिल जाती है और उसके नीचे हमें मिल जाती है क्रोम फिनिश में बहुत ही शानदार सी ग्रिल जिस पर कुछ हनीकॉम का सही डिज़ाइन बना हुआ है। बात करें टर्न इंडिकेटर्स की तो हमें हेलोजन टर्न इंडिकेटर देखने को मिल जाते हैं और गाड़ी की मेन हेडलाइट भी हमें HTK प्लस वेरिएंट में हेलोजन ही देखने को मिलेगी। कोई भी DRL हमें या कोई भी LED लाइट हमें देखने को नहीं मिलेगी, लेकिन फोग लैंप हमें मिल जाते हैं गाड़ी में। प्रोजेक्टर की जो होजिंग है वो हमें ग्लोसी ब्लैक फिनिश में देखने को मिल जाती है, जो एक बहुत अच्छी बात है। फ्रंट बम्पर में नीचे हमें एक ग्रे कलर की क्लैडिंग देखने को मिल जाती है जो कि बम्पर को डबल कलर्ड बनाती है और बहुत ही स्पोर्टी लुक हमें गाड़ी का देखने को मिल जाता है। नीचे एयर इनटेक के लिए हमें थोड़ा सा स्पेस देखने को मिल जाता है गाड़ी के फ्रंट में। तो चलिए बात कर लेते हैं हम गाड़ी के साइड के प्रोफाइल की। गाड़ी के साइड का प्रोफाइल कुछ ऐसा देखने को हमें मिल जाता है। गाड़ी साइड से बहुत ही मस्कुलर और बिल्कुल SUV टाइप की देखने को हमें मिलती है। तो बात करें अगर हम गाड़ी के टायर साइजेज की तो हमें गाड़ी के टायर में स्टाइल्ड रिम विद व्हील कैप देखने को मिल जाते हैं गाड़ी के HTK प्लस वेरियंट में। एक बार देखने पर तो आपको ऐसा ही लगेगा जैसे गाड़ी में एलॉय व्हील्स है, लेकिन ये एलॉय व्हील्स नहीं है। ऊपर एक व्हील कैप लगा हुआ और नीचे हमें मिल जाते हैं स्टाइल्ड रिम जो कि हम पहले टाटा की टियागो और टाटा की टियागो में हम देख चुके हैं और वेन्यू में भी हम ये देख चुके हैं। तो बात करते हैं अगर हम गाड़ी के टायर साइजेज की तो हमें 215/60 रेडियल 16 का टायर साइज हमें देखने को मिलता है जो कि एक काफ़ी अच्छा खासा साइज है। और गाड़ी के फ्रंट में हमें ABS विद DVD फ्रंट में डिस्क मिल जाते हैं। और बात करें हम गाड़ी के ORVM की तो ORVM हमें वेलकम फीचर्स के साथ इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल और इलेक्ट्रिकली फोल्डेबल हमें मिल जाते हैं। टर्न इंडिकेटर्स भी हमें गाड़ी के ORVM पर ही देखने को मिल जाते हैं और ORVM में बॉडी कलर देखने को मिल जाते हैं। गाड़ी के डोर हैंडल्स हमें बॉडी कलर देखने को मिल जाते हैं, कोई भी क्रोम या रिक्वेस्ट सेंसर हमें गाड़ी के डोर हैंडल पर देखने को नहीं मिलेगा। और बात करें अगर हम पीछे के टायर में तो पीछे के टायर में हमें किसी भी वेरिएंट में डिस्क का ऑप्शन नहीं मिलेगा, नॉर्मल ड्रम ब्रेक ही देखने को मिलेंगे हम गाड़ी के पिछले वेरिएंट में। यहाँ पर हमें एक छोटा सा ग्लोसी ब्लैक फिनिश देखने को मिल जाता है जो काफ़ी अच्छा लगता है। और बात करते हैं अगर गाड़ी के पीछे के प्रोफाइल की तो पीछे का प्रोफाइल हमें कुछ ऐसा देखने को मिल जाता है। पीछे का प्रोफाइल कुछ लोगों को बुरा लग सकता है, कुछ लोगों को अच्छा लग सकता है, लेकिन मेरे पर्सनल व्यू इस पर ये है कि मुझे काफ़ी अच्छे लगते हैं। बैक लाइट जो है आपको नॉर्मल हेलोजन ही देखने को मिलेगी, कोई भी LED लाइट आपको देखने को नहीं मिलेगी। ये जो आप डिज़ाइन देख रहे हैं ये आपको LED जैसा लगेगा, लेकिन ये LED नहीं है, ये भी आपका हेलोजन बल्ब ही इसको रिफ्लेक्ट कर रहा है। ये बहुत ही नीटली क्लीन्ड है, ये बहुत अच्छा लग रहा है। और ये जो लाइट है ये रिफ्लेक्टर है, इसमें कोई भी इल्यूमिनेशन लाइट आपको देखने को नहीं मिलेगी। टर्न इंडिकेटर्स आपको हेलोजन ही देखने को मिल जाते हैं नॉर्मल, और बैक लाइट भी आपको एक नॉर्मल हेलोजन लाइट ही देखने को मिलेगी। नीचे नंबर प्लेट वाली जो लाइट है वो भी आपको नॉर्मल हेलोजन ही देखने को मिलती है। लेफ्ट साइड में आपको मिल जाती है सोनेट की बैजिंग, बीच में आपको मिल जाता है किया का लोगो, राइट साइड में आपको कोई भी बैजिंग या कोई भी मॉडल वेरियंट्स से रिलेटेड कोई बैजिंग देखने को नहीं मिलती। यहाँ मिल जाता है आपको रियर पार्किंग कैमरा और ऊपर HTK प्लस वेरिएंट में भी आपको शार्क फिन एंटीने का फीचर देखने को मिल जाता है। रूफ रेल्स भी आपको HTK प्लस वेरिएंट में देखने को मिल जाती है। यहाँ पर आपको देखने को मिल जाता है हाई माउंटेड स्टॉप टेल लैंप, यहाँ पर मिल जाते हैं रियर डिफोगर आपको HTK प्लस वेरिएंट में, रियर वाइपर का ऑप्शन आपको HTK प्लस वेरिएंट में देखने को नहीं मिलता है। नीचे मिल जाते हैं आपको रेड कलर के रिफ्लेक्टर्स जो कि कोई भी लाइट से इल्यूमिनेटेड नहीं है, नॉर्मल मिलते हैं, लेकिन पीछे आपको छोटी सी कॉस्ट कटिंग देखने को मिल जाती है। पीछे आपको सिर्फ दो ही पार्किंग सेंसर देखने को मिलते हैं और जो फ्रंट में हमने देखा था सिल्वर कलर की क्लैडिंग वो आपको नीचे भी देखने को मिल जाती है। पीछे आपको दो फेक एग्जॉस्ट का डिज़ाइन देखने को मिल जाता है, इनमें कोई भी पाइप वगैरह एग्जॉस्ट नहीं लगा हुआ, रियल एग्जॉस्ट यहाँ पर लगा हुआ है नीचे।
तो चलिए कर लेते हैं हम बूट को ओपन। यहाँ पर आपको मिल जाता है एक रिक्वेस्ट सेंसर जिससे कि आप अपने बूट को ओपन कर सकते हैं। 394 लीटर्स का बूट स्पेस आपको देखने को मिल जाता है किया सोनेट में। यहाँ पर मिल जाती है आपको पार्सल ट्रे एसटीके प्लस वेरिएंट में, लेकिन आपको कोई भी बूट लैंप का ऑप्शन देखने को नहीं मिलता है। फिर से छोटी सी कॉस्ट कटिंग हमें देखने को मिल जाती है। यहाँ पर मिल जाते हैं हमें सारे टूल अपने रखे हुए, और उसके नीचे मिल जाता है हमें एक नॉर्मल रिम जो कि हमें अपने बाकी के टायर से एक इंच छोटा देखने को मिलता है। ये कोई भी स्टाइल रिम की तरह नहीं है, ये एक नॉर्मल रिम है। अगर बात करें हम इसके साइज़ की तो हमें 195/65 रेडियल 15 का टायर हमें ये देखने को मिलता है, तो हमारे बाकी सारे टायरों से एक इंच छोटा टायर है। एक छोटी सी चीज़ और हमें यहाँ कमी मिली, वो है कि हमारी जो पीछे वाली सीट है हम उसको 60-40 की रेशो में स्प्लिट नहीं कर सकते हैं। ये एक ही पूरी की पूरी सीट है, हम पूरी को ही बंद कर सकते हैं। ये एक छोटा सा माइनस पॉइंट एक और मिल गया हमें, हम इसको कॉस्ट कटिंग भी बोल सकते हैं। यहाँ पर हमें एक छोटा सा स्पेस देखने को मिल जाता है जिसको ग्रैब करके हम अपने टेल गेट को बंद कर सकते हैं। तो चलिए चलते हैं हम गाड़ी के पीछे वाली सीट पर, देख लेते हैं पीछे वाली सीट पर हमें क्या क्या फीचर देखने को मिल जाते हैं। तो सबसे पहले हम बात करें डोर एंगल की, तो जो डोर एंगल है वो हमें 80-85 डिग्री तक ही ओपन होने वाला देखने को मिलता है। लेकिन एक और छोटा सा फीचर है डोर में, जो डोर है वो सीधा बंद नहीं होगा, जो डोर है वो डबल लेवल पर ओपन होता है। ये देखिए, ये दूसरा लेवल, तो यानी कि एकदम हम सीधा पूरा डोर बंद नहीं कर सकते, तो ये एक बहुत अच्छा फीचर है। तो बात करें हम डोर पर क्या क्या फीचर देखने को मिल जाते हैं, यहाँ पर हमें सिल्वर कलर का डोर ओपनर देखने को मिल जाता है। यहाँ पर हमें एक हल्की सी फेक फिनिश देखने को मिल जाती है। पीछे वाली जो पावर विंडो है वो हमें नॉर्मल पावर विंडो देखने को मिल जाती है। यहाँ पर ग्रैब हैंडल, और यहाँ पर हमें कोई भी सॉफ्ट टच देखने को नहीं मिलती है। यहाँ पर भी हमें हार्ड प्लास्टिक देखने को मिल जाता है, अगर यहाँ पर हमें कोई सॉफ्ट टच देखने को मिल जाता तो थोड़ा ज़्यादा अच्छा होता है। यहाँ पर हमें एक फेक ट्विटर की प्लेसमेंट सी देखने को मिल जाती है, यहाँ पर एक फेक सा डिज़ाइन देखने को मिल जाता है। नीचे हमें मिल जाता है एक बोतल होल्डर की, हमें नॉर्मली 1 लीटर की बोतल होल्ड करने में ज़्यादा ईजीली रहेगा। यहाँ पर हमें मिल जाती है स्पीकर की प्लेसमेंट। तो चलिए चलते हम गाड़ी के अंदर और देखते हम पीछे वाली सीट पर कितना स्पेस देखने को मिल जाता है। तो जो सामने वाली जो सीट है वो 5-7 की हाइट के बंदे के हिसाब से एडजस्ट की हुई है, और हमें उसके बाद भी हमें अच्छा खासा स्पेस गाड़ी में देखने को मिल जाता है। लेकिन होंडा की तरह हमें कोई भी इंक्लाइंड स्पेस देखने को नहीं मिलता। यहाँ पर हमें मिल जाता है रियर एसी वेंट्स जो कि एक सिल्वर फिनिश की होजिंग के साथ हमें देखने को मिल जाती है, जो काफ़ी प्रीमियम लगती है। लेकिन हमें कोई भी एयर प्योरीफायर यहाँ पर देखने को नहीं मिलता है। आर्मरेस्ट को हम एडजस्ट नहीं कर सकते, आर्मरेस्ट फिक्स है। यहाँ पर हमें मिल जाता है यूएसबी चार्जिंग सॉकेट, और यहाँ पर थोड़ा सा स्पेस अपने मोबाइल वगैरह रखने के लिए। ऊपर हमें जो ग्रैब हैंडल्स है वो हमें नॉर्मली मिलेंगे, फोल्डेबल नहीं मिलेंगे देखने को। यहाँ पर हमें रीडिंग लैंप है वो हेलोजन देखने को मिल जाता है। अगर एलईडी मिल जाता तो थोड़ा ज़्यादा अच्छा होता, व्यू भी हमारे चेंज हो जाते। कोई भी सनरूफ का ऑप्शन हमें एसटीके प्लस वेरिएंट में देखने को नहीं मिलेगा। और एक माइनस पॉइंट मैं आपको बता दूं कि हमें पीछे वाली सीट पर हेडरेस्ट एडजस्ट करने का फीचर देखने को नहीं मिलेगा। एक पहले ही मैं आपको बता चुका हूँ 60-40 के स्प्लिट रेशो में पीछे वाली सीट देखने को नहीं मिलेगी। आपको रूमी रूमी फील ना हो इसलिए यहाँ पर एक छोटा सा ग्लास दिया गया है जो एक प्लस पॉइंट है गाड़ी में। बाकी पीछे यही है और कुछ खास नहीं है। फ्रंट का डैशबोर्ड आपको कुछ ऐसा देखने को मिलेगा जो मैं आपको आगे चलकर दिखा देता हूं कि आपको कैसा ही देखने को मिलेगा। यहां पर आपको मिल जाता है ग्रैब हैंडल में हुक राइट साइड में, यहां पर आप अपने सूट वगैरह टांग सकते हैं। एक छोटी सी कॉस्ट कटिंग हमें यहां भी देखने को मिल जाती है। एसटीके प्लस वेरिएंट में हमें सीट बेल्ट की हाइट एडजस्ट करने का फीचर देखने को नहीं मिलता है। तो चलिए चलते हैं हम ड्राइवर साइड की ओर, देखते हैं हमें ड्राइवर सीट पर क्या क्या फीचर देखने को मिल जाते हैं। यहाँ पर हमें कोई भी रिक्वेस्ट सेंसर या कीलेस एंट्री का फीचर देखने को नहीं मिलता है, ये मैं आपको पहले बता चुका हूँ। जो ड्राइवर साइड का जो डोर है वो भी हमें 3 लेवल पर ओपन होने वाला देखने को मिलता है, और जो ड्राइवर साइड का जो डोर है वो भी हमें पूरा ब्लैक फिनिश में देखने को मिलता है। यहाँ पर हमें अपने ORVM से रिलेटेड सारे कंट्रोल देखने को मिल जाते हैं। यहाँ से हम अपने ORVM को एडजस्ट कर सकते हैं, फोल्ड और अनफोल्ड भी हम इलेक्ट्रॉनिकली एचटीके प्लस वेरिएंट में हम कर सकते हैं।
ये हमें लोग अनलॉक का स्विच देखने को मिल जाता है। यहाँ पर हमें मिल जाती है ऑटो पावर अप ऑटो डाउन वाली ड्राइवर साइड की विंडो, बाकी की तीनों विंडोज हमें ओनली पावर विंडोज देखने को मिलती है। यहाँ पर चाइल्ड विंडोज लॉक का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। यहाँ पर हमें मिल जाता है अगेन ग्रैब हैंडल, यहाँ पर हमें फिर कोई सॉफ्ट टच देखने को नहीं मिल जाती। यहाँ पर हमें मिल जाता है एक अम्ब्रेला होल्डर, इसमें अपन मिड साइज की अम्ब्रेला रख सकते हैं। यहाँ पर हमें मिल जाता है 1 लीटर की बोतल को होल्ड करने के लिए थोड़ा सा स्पेस, और थोड़े बहुत हम यहाँ पर डॉक्यूमेंट वगैरह रख सकते हैं। यहाँ पर हमें मिल जाते हैं स्पीकर की प्लेसमेंट, ट्विटर की प्लेसमेंट हमें यहाँ देखने को मिल जाती है। तो फ्रंट में हमें दो ट्विटर का ऑप्शन मिल जाता है एचटीके प्लस वेरियंट में। तो चलिए चलते हैं हम गाड़ी के अंदर और सब बात कर लेते हैं ड्राइवर सीट की। तो हमें यहाँ पर हाइट एडजस्ट करने का फीचर मिल जाता है ड्राइवर सीट में मैनुअली, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक हाइट एडजस्ट करने का फीचर हमें इसमें नहीं देखने को मिलता है। तो यहाँ पर हमें देखने को मिल जाता है अपना फ्यूल लिड ओपन करने के लिए एक बार, कोई भी हमें इलेक्ट्रॉनिक बटन स्पेशली अपना फ्यूल लिड ओपन करने के लिए हमें यहाँ पर देखने को नहीं मिलता। अगर इलेक्ट्रॉनिकली कोई बटन हमें देखने को मिल जाता तो थोड़ा ज़्यादा अच्छा और कन्वीनियंट देखने को मिल जाता है। यहाँ पर अपना हुड ओपन करने के लिए हमें यहाँ पर एक ग्रैब बटन देखने को मिल जाता है, यहाँ पर भी हमें कोई इलेक्ट्रॉनिक बटन देखने को नहीं मिलता है। तो चलिए चलते हैं गाड़ी के अंदर की और देखते हैं हमें अंदर क्या क्या फीचर देखने को मिल जाते हैं। सबसे पहले हम ड्राइवर साइड की जो सीट है उसको पीछे कर लेते हैं और गाड़ी के अंदर चलते हैं। तो गाड़ी के अंदर बैठते ही हम सबसे पहले बात करेंगे गाड़ी की चाबी की। तो गाड़ी की चाबी जो है उसमें हमें क्या क्या फीचर देखने को मिलते हैं। तो कुछ ऐसी चाबी आपको देखने को मिलेगी एस टी के प्लस वेरियंट की। ऊपर हमें मिलेगा लॉक, नीचे मिलेगा आपको अनलॉक, और नीचे अगर आप जो सबसे जो थर्ड बटन है उसको आप प्रेस करके रखोगे तो आपका बूट अनलॉक हो जाएगा, कोई भी बूट ओपन नहीं होगा, सिर्फ अनलॉक होगा। तो चलिए हम गाड़ी को ऑन कर लेते हैं। तो कुछ ऐसा इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर आपको देखने को मिल जाता है, बीच में एक छोटी सी एलईडी स्क्रीन देखने को मिल जाती है, लेफ्ट साइड में आपको टैकोमीटर और राइट साइड में आपको फ्यूल गेज और टेम्परेचर देखने को मिलते हैं। तो कुछ ऐसा स्टेयरिंग आपको देखने को मिल जाता है, कोई भी डी कट की शेप आपको स्टेयरिंग में देखने को नहीं मिलती। नीचे एक सिल्वर कलर की जो फिनिश है वो काफ़ी अच्छी देखने में लगती है। कोई भी लेदर की रैपिंग या लेदर की अपहोल्स्ट्री आपको देखने को नहीं मिलेगी स्टेयरिंग में, वो आपको आफ्टर मार्केट ही लगवानी पड़ेगी। इधर की साइड आपको मिल जाते हैं आपके म्यूजिक सिस्टम से रिलेटेड सारे कंट्रोल्स, तो ये एक आपको बहुत अच्छी बात है। यहाँ पर आप मिल जाते हैं आपको अपने इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर से रिलेटेड सारे कंट्रोल्स। तो अगर बात करें इधर की साइड हमें क्रूज कंट्रोल मिलेगा टॉप एंड वेरिएंट्स में, तो उसकी स्पेस यहाँ पर हमें थोड़ा खाली देखने को मिल जाता है। पाओ का हॉर्न आपको एज ए स्टैंडर्ड किया सोनेट में देखने को मिल जाता है। तो बात करें अगर हैंडल बार्स की, तो लेफ्ट साइड में हमें अपने वाइपर से रिलेटेड सारे कंट्रोल देखने को मिल जाते हैं। कोई भी ऑटोमेटिक या रेन सेंसिंग वाइपर का फीचर हमें किया सोनेट के एचटी के प्लस वेरियंट में देखने को नहीं मिलता है। और राइट साइड में आते हैं तो राइट साइड में जो हैंडल बार है वो हमें अपने टर्न इंडिकेटर्स और हेडल लैम्प से रिलेटेड सारे कंट्रोल देखने को मिल जाते हैं। ऑटोमेटिक हेडल लैम्प का फीचर आपको एच टी के प्लस वेरिएंट में देखने को मिल जाता है, ये बहुत अच्छी बात है। तो बात करें अगर हम इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की, तो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में क्या क्या फीचर देखने को मिलते हैं। लेफ्ट साइड में हमें टैकोमीटर देखने को मिल जाता है, बीच में हमें स्पीडोमीटर देखने को मिल जाता है डिजिटली, छोटी सी एलईडी स्क्रीन हमें देखने को मिल जाती है, और राइट साइड में हमें ऊपर देखने को मिल जाता है फ्यूल गेज जो कि एनालॉग है, और नीचे हमें मिल जाता है टेम्परेचर का गेज जो कि एनालॉग, और नीचे हमें कुछ वार्निंग लाइट्स हमें देखने को मिल जाती है। और अगर बात करें हम एलईडी स्क्रीन के फीचर्स की, तो एलईडी स्क्रीन में हमें अपनी 3D डायमेंशंस गाड़ी के देखने को मिल जाते हैं, जिसमें हम कोई भी डोर ओपन करेंगे तो वो हमें 3D स्ट्रक्चर देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर हमें फ्यूल इकोनॉमी भी एलईडी स्क्रीन में देखने को मिल जाती है। यहाँ पर हम हमारे व्हीकल की इन्फॉर्मेशन देखने को मिल जाती है, कितनी देर से आइडल मोड में है या कितनी देर से चल रही है, क्या एवरेज दे रही है। तो ये छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन हमें इस एलईडी स्क्रीन से देखने को मिल जाती है। अगर इसकी जगह थोड़ी सी और बड़ी एलईडी डिस्प्ले हमें देखने को मिल जाती तो ज़्यादा अच्छा होता। और एलईडी डिस्प्ले में हम अपनी छोटी मोटी गाड़ी की जो सेटिंग्स है वो चेंज कर सकते हैं। हम अपने ORVM और अपनी लाइट्स की ऑटोमेटिक हेडलैम्प है उनको कैसे करना है, ब्राइटनेस हम अपनी इसी एलईडी स्क्रीन से एडजस्ट कर सकते हैं। तो चलिए बात कर लेते हैं हम गाड़ी के म्यूजिक सिस्टम की। तो हमें 8 इंच का HD डिस्प्ले वाला म्यूजिक सिस्टम देखने को मिल जाता है, जो कि वायरलेस एंड्रॉयड ऑटो और वायरलेस एप्पल कार प्ले को सपोर्ट कर सकता है। आप उसकी वीडियो मेरे इंस्टाग्राम चैनल पर जाके देख सकते हैं। तो ये जो आप व्हाइट कलर की जो पन्नी देख रहे हैं, ये सिर्फ स्क्रैच ना पड़े इसके लिए लगी हुई है, ये हट सकती है।
आपको सबसे अच्छी बात जो मैं आपको बता दूं, आपको वॉल्यूम एडजस्ट करने के लिए नॉब भी आपको मैनुअली देखने को मिल जाते हैं, जो कि बहुत अच्छी बात है। टच स्क्रीन में आपको उतना मज़ा नहीं है अगर जितना कि आपको नॉब से वॉल्यूम अप और आप डाउन करने का फीचर आपको देखने को मिल जाता है। बीच में मिल जाता है आपको HTK प्लस वेरियंट में ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल, जो कि अगेन इस सेगमेंट में फिर एक बेस्ट ऑप्शन है। इस सेगमेंट में आपको किसी भी गाड़ी में ऑटोमेटिक एसी देखने को नहीं मिलता, लेकिन HTK प्लस वेरिएंट में आपको ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल देखने को मिल जाता है। और एसी वेंट्स का डिज़ाइन कुछ ऐसा देखने को मिल जाता है आपको, जो सिल्वर कलर की होजिंग है जो एसी वेंट्स की, वो बहुत ही ज़्यादा प्रीमियम लगती है। आपको गाड़ी के फ्रंट से लेकर लास्ट तक देखने को मिलेगी, कुछ कुछ स्पेशल जगह पर। यहाँ पर आपको मिल जाता है हैजार्ड लैंप का स्विच जो कि बीच में है थोड़ा सा, यहाँ पर आपको स्पेस देखने को मिल जाता है। कोई भी वायरलेस चार्जिंग का फीचर आपको यहाँ देखने को नहीं मिलता। टॉप एंड वेरिएंट में यहाँ पर आपको कूलिंग का फीचर और वायरलेस चार्जिंग का फीचर देखने को मिल जाता है, लेकिन HTK प्लस वेरिएंट में आपको सिर्फ स्पेस देखने को मिलता है। यहाँ पर आपको मिल जाता है एक 12 वोल्ट के लिए सॉकेट, यहाँ पर आपको मिल जाता है अपने स्मार्टफोन कनेक्ट करने के लिए USB का पॉइंट, और यहाँ पर आपको मिल जाता है एक फास्ट चार्जिंग के लिए USB का पॉइंट। यहाँ पर अगेन थोड़ा सा स्पेस आपको देखने को मिल जाता है फोन वगैरह रखने के लिए। यहाँ पर आपको पेट्रोल के 1.2 लीटर इंजन में 5 स्पीड का मैनुअल गियरबॉक्स देखने को मिल जाता है, जिसके ऊपर कोई भी लेदर की अपहोल्स्ट्री आपको देखने को नहीं मिलती है। यहाँ पर अगेन वो सिल्वर की फिनिश जो मैं आपको अभी बता रहा था, वो हर गाड़ी में कुछ कुछ स्पेशल जगह पर दी गई है, जो कि बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगती है। यहाँ पर आपको मिल जाते हैं दो कप होल्डर्स, एक थोड़ा सा छोटा मिलता है, एक थोड़ा सा आपको बड़ा मिलता है। यहाँ पर आपको मिल जाता है आपका स्मार्टफोन रखने के लिए थोड़ा सा स्पेस, आप अपने कुछ ऐसा स्टैंडिंग ओरिएंटेशन में आप अपना कोई भी सामान रख सकते हैं। किया ने स्पेशली डिज़ाइन किया इस डिज़ाइन के, देखिए आप अपने स्मार्टफोन को यहाँ पर ऐसे रख सकते हैं। यहाँ पर आपको मिल जाती है आपके हैंड ब्रेक की प्लेसमेंट, और आर्मरेस्ट को आप एडजस्ट करने का फीचर आपको देखने को नहीं मिलेगा। यहाँ पर थोड़ा सा स्पेस आपको यहाँ पर देखने को मिल जाता है, ज़्यादा बड़ा स्पेस नहीं है, लेकिन थोड़ा सा स्पेस आपको यहाँ पर देखने को मिल जाता है। आर्मरेस्ट के नीचे आपको हल्की सी क्वालिटी में थोड़ी सी कमी देखने को मिलेगी, ये देखिए, अगर इसको ढंग से प्रॉपर तरीके से बंद कर दिया जाता तो थोड़ा ज़्यादा अच्छा। कोई भी एयर प्योरीफायर आपको आर्मरेस्ट में देखने को नहीं मिलेगा। तो बात करें अगर हम IRVM की, तो आपको डे नाइट मोड के साथ मैनुअली IRVM आपको देखने को मिल जाता है, कोई भी इलेक्ट्रोक्रोमिक मिरर आपको देखने को नहीं मिलता है। LED रीडिंग लैंप्स देखने को आपको नहीं मिलेंगे, हेलोजन रीडिंग लैंप आपको देखने को मिलेंगे। आप इनको डोर पर भी एडजस्ट कर सकते हैं और मैनुअली भी दोनों को एक साथ ऑन भी कर सकते हैं। यहाँ पर आपको मिल जाता है सनग्लास होल्डर, जो कि अपने आप में एक बहुत अच्छी बात है। और यहाँ पर आपको मिल जाता है वैनिटी मिरर, जो कि एक ठीक अच्छे खासे डिज़ाइन का है, लेकिन आपको कोई भी लैंप वैनिटी मिरर का देखने को नहीं मिलेगा, आपको अपने रीडिंग लैंप से ही काम चलाना पड़ेगा। ड्राइवर साइड आपको कोई भी वैनिटी मिरर देखने को नहीं मिलेगा। तो ये था गाड़ी का इंटीरियर, और छोटा सा स्पेस मैं आपको बताना भूल गया, यहाँ पर आपको ग्लो बॉक्स देखने को मिल जाता है। कोई भी कोल्ड ग्लो बॉक्स का फीचर आपको देखने को नहीं मिलेगा किया सोनेट के HTK प्लस वेरिएंट में। और यहाँ पर आपको हार्ड प्लास्टिक देखने को मिल जाता है हर जगह, तो वो थोड़ा सा मजबूत सी बिल्ड क्वालिटी देखने को मिलती है हमें गाड़ी की। तो चलिए चलते हैं हम गाड़ी के हुड के नीचे, हमें क्या क्या देखने को मिल जाता है। तो जिस वेरिएंट की हम वीडियो बना रहे हैं वो वेरिएंट है HTK प्लस पेट्रोल मैनुअल 1.2 लीटर। तो कुछ ऐसा आपको गाड़ी का इंजन देखने को मिल जाता है हुड के नीचे। ये जो आप इंजन देख रहे हैं ये 1.2 लीटर पेट्रोल इंजन है, जो कि 82 BHP की पावर जनरेट करता है 6300 RPM पर, और 115 न्यूटन मीटर का टॉर्क जनरेट करता है 4500 RPM पर। तो बात करें अगर हम HTK प्लस वेरिएंट के प्राइस की, तो एक्स शोरूम जो प्राइस है वो है 8.45 लाख, और आपको ऑन रोड गुड़गांव में पड़ेगी 9.54 लाख अप्रोक्स की। तो धन्यवाद दोस्तों, वो वीडियो अगर आपको पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।